नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला विभागाध्यक्ष वनस्पति विभाग डॉक्टर प्रवीण सिंह के प्रयासों से किया जा रहा है। इस मद में जानकारी देते हुए विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि जिस तरह से 17 मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है, उनमें एक मुद्दा यह भी है कि धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से बचाया जाए। जिसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण, बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रित आदि होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शुक्ला, डॉक्टर ओपी गुप्ता, डॉक्टर आरएम तिवारी, डॉक्टर केएल जायसवाल उपस्थित रहे। आपको पता है, उस वॉल फ्लोरा के लंग शोर प्रबंध को लेकर के ये बीएचयू है, और बीएचयू में अपने पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान इन्होंने वो वॉल फ्लोरा जब दिखाया, वो डिसर्टेशन दिखाया, तो बीएचयू में बॉटनी डिपार्टमेंट के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो बहुत उससे इम्प्रेस हुए कि इतना अच्छा काम एमएससी लेवल पे एक विद्यार्थी ने किया। निश्चित रूप से उस पर उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि ये वाकई इन्होंने किया है या कि कहीं से लिख पढ़ के लाए हैं, लेकिन सिंह साहब उस तरीके के कभी नहीं रहे। इनका खास ओरिजिनल रहा और इन्होंने फिर पीएचडी की उपाधि बीएचयू से प्राप्त की। विभिन्न महाविद्यालयों से होते हुए फिर 1900 आज से यानी 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पृथ्वी में विभिन्न सोर्सेस जो हैं उनको बचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर प्रवीण सिंह मैडम एचओडी विभागाध्यक्ष जो हैं हमारे, उन्होंने किया है। इसमें हम 7 दिवसीय जो कार्यक्रम करेंगे, इसमें पृथ्वी को बचाने के लिए विभिन्न तरीकों से, जिस तरह से 17 मुद्दों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है, उनमें से एक विषय जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और उनके रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी है, उसकी स्थिरता जो है उनको बचाने के लिए ये शासकीय विज्ञान महाविद्यालय का वनस्पति विभाग इसमें अग्रसर हुआ है, इसमें आगे कदम बढ़ाया है। आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यशाला में सहयोग करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और इस कार्यशाला में सहयोग आपका इस तरह से हो सकता है कि आप यहाँ पर आ करके अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए उसमें मदद कर सकते हैं। रीवा के जितने भी वासी हैं जो निरंतर प्रदूषण और एनवायरनमेंट को बचाने की ओर अग्रसर हैं, वहाँ पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन बहुत प्रभावी सिद्ध होगा।